तो मैं आज आपको कबाब बनाना बताऊंगी। तो कबाब में सबसे पहले मैंने 1.5 किलो कीमा ली हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें आधी छोटी प्याज चॉप करी हुई डालेंगे। एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, अगर जैसे मार्केट में डायरेक्ट आपको बनी हुई मिल जाती है पैकेट में, पर अगर नहीं है जैसे आप घर में भी चाहें तो बना सकते हो। और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून क्रश करके चाहे तो मिक्सी में ग्राइंड कर लें। सॉल्ट टू टेस्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा और आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा भून लें जीरे को और काली मिर्च को, जैसे भी आपको काली मिर्च का और जीरे का पाउडर बनाना है, थोड़ा भून लें दोनों को और फिर दोनों का पाउडर बना के आप एक डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। 2 हरी मिर्च चॉप करी हुई, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी चॉप कोरिएंडर लीव्स, दो टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही फटाफट बनती है और बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फिर इसे आप तल लें कबाब का शेप बना के। और आप चाहें तो इसका सीख का भी शेप देके आप इसे बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसको कबाब का शेप में बना के फिर तलूंगी। आप 1 टीस्पून लेमन जूस भी डाल लेंगे, अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप विनीगर भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर मिक्स करके अच्छे से कबाब बना के, चलो अभी कबाब बना के तलते हैं गैस पे। और फिर उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, फिर जब थोड़ा तेल गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाए, तो उसमें फिर हम अपना कबाब तलना स्टार्ट करेंगे। पैन में जो तेल डाले थे वो गर्म हो गया है, अब इसमें हम कबाब डालना स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके हम कबाब ऐसे डालते जाएंगे। इस तरह रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट एक साइड, फिर 3 मिनट एक साइड करके ऐसे आप, जैसे आपको गोल्डन दिखने लग जाए आपको, तो आपको इसको निकाल लेना है, बस रेडी। हाँ, एक और बात, जबकि जैसे कि ऐसे मसाले में हम चाहे तो सीख भी बना सकते हैं, पर जब सारे मसाले मिक्स कर लेंगे तो आप मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे उसी मसाले में, और फिर आप कबाब के लिए ये सीख के लिए आप सीख पे लगा सकते हैं सलाखों पे। तो आपको थोड़ा सा ग्राइंड करना होगा, जैसे आप डायरेक्ट ऐसे कबाब बनाए हैं तो यही मसाले में आपको सीख के लिए थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा ग्राइंड करना है, फिर आपको सीख सलाखों में लगा के इसी तरीके से सीख भी बन जाएगी। और ये हो गया कबाब, अभी हम कबाब को 3 मिनट हो जाएंगे तो पलट लेंगे। और आप अपने अंदाज से भी, जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उस हिसाब से निकाल लेंगे। कबाब रेडी हो गए, अब मैं इसे निकाल लूँगी, चुके हैं और मैं इसे निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के बनेंगे, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप चाहे तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के भी साथ खा सकते हैं। और जो अभी पैन में मैंने ना ऑयल में कबाब तली हूँ ना, तो उसमें अभी जो तेल बचा है वो मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में कोफ्ते बनाऊँगी, तो वो कबाब के जो तेल है मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये कबाब बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो इसे रोटी और पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह कोफ्ते की रेसिपी रहेगी।